नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक जीनी वंशागति एवं बहुजीनी वंशागति में अंतर। जैसे कि प्रश्न है, एक जीनी वंशागति एवं बहुजीनी वंशागति में अंतर लिखो। उत्तर है, एक जीनी वंशागति एवं बहुजीनी वंशागति में निम्नलिखित अंतर हैं। एक साइड लिखेंगे एक जीनी वंशागति और दूसरी साइड लिखेंगे बहुजीनी वंशागति। पहला अंतर है, यह एक जोड़ी विकल्पी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक जोड़ी विकल्पी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक जोड़ी अविकल्पी जीनों से अधिक द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक जोड़ी अविकल्पी जीनों से अधिक द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा अंतर है, इसमें दो स्पष्ट फीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। एक जीनी वंशागति में दो स्पष्ट फीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। इसमें एक विस्तृत क्षेत्र में फीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। बहुजीनी वंशागति में एक विस्तृत क्षेत्र में फीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। तीसरा अंतर है, इसमें F1 पीढ़ी के संकर अपने प्रभावी जनक के समान होते हैं। एक जीनी वंशागति में F1 पीढ़ी के संकर अपने प्रभावी जनक के समान होते हैं। इसमें F1 पीढ़ी के संकर अपने दोनों जनकों के मध्यवर्ती होते हैं। बहुजीनी वंशागति में F1 पीढ़ी के संकर अपने दोनों जनकों के मध्यवर्ती होते हैं। चौथा अंतर है, इसमें संचयी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। एक जीनी वंशागति में संचयी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इसमें संचयी प्रभाव दिखाई देता है। बहुजीनी वंशागति में संचयी प्रभाव दिखाई देता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।